शिमला भाजपा से बगावत कर आजाद उम्मीदवार आरती चौहान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में इंजनघर वार्ड में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरती चौहान पूर्व में पार्षद थी और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर विकास थापटा को टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर आरती चौहान ने आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा था। शुक्रवार को नामांकन वापस का अंतिम दिन था। भाजपा ने आरती को मनाने की कोशिश की, लेकिन आरती चौहान ने नामांकन वापस नहीं लिया और उसे उगता सूरज चुनाव चिन्ह दिया गया। मैं अभी अपना सिंबल लेके आई हूँ और मैं वार्ड नंबर 18 इंजनघर से इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हूँ, और जो मुझे सिंबल दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो एक राइजिंग सन है, उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह है। पार्टी की तरफ से प्रेशर था। देखिए, प्रेशर तो हर जगह रहता है लाइफ में, पर वही मैंने कभी प्रेशर अंडर प्रेशर आने वाला काउंसलर्स में से मैं नहीं रही हूँ। मैं सदन में भी खुल बढ़ चढ़ के बोली हूँ आज तक। तो मेरा तो क्लियर था, पब्लिक मैंडेट था कि मैं चुनाव लड़ूँ। अगर मैं चुनाव में उतरी हूँ तो मेरे को पब्लिक ने चुनाव में उतारा है, क्योंकि जो इन्होंने कैंडिडेट यहाँ बीजेपी का दिया है विकास थापटा जी, वो इंजनघर वार्ड में रहते ही नहीं है, वो सिमिट्री में रहते हैं, उनका रेजिडेंस इंजनघर वार्ड में नहीं है, तो इसलिए जो वहाँ रहता ही नहीं है तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो वो लोगों में हैरान करने वाली बात है कि जो इंजनघर में क्या कोई था ही नहीं बीजेपी में जिसको वो टिकट दे सके। इनका कहना था कि ओपन में महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, तो पूरे शहर में डॉक्टर किम्मी सूद और मेरा टिकट ही कटा, बाकी बीजेपी ने सारी महिलाओं को अपने ओपन वार्ड में भी उतारा है। तो इसको लेकर मेरी नाराजगी थी। चलो, और फिर मैंने ये कहा कि अगर आपने मुझे नहीं देना है तो इंजन घर का कोई रेजिडेंट हो बीजेपी का, आप उसे दीजिए। लेकिन इन्होंने रातों रात सिमिट्री से विकास थापटा जी को कैंडिडेट बनाया है। पास्ट में भी उनकी वाइफ वहाँ से पार्षद का चुनाव हारी है। देखिए मैडम, मैं 5 साल बड़ी अग्रेसिव काउंसिलर रही पब्लिक के लिए, मैं सदन में 4 बार बैठी हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मानेंगे नहीं, मैं वो काउंसलर हूँ जिसने 5 साल में सदन से एक भी छुट्टी नहीं ली। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल, 5 साल का एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, उसमें मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं किया है। पूरे 5 साल 100% अटेंडेंस मैंने मार्क की है, इतना सिंसियरिटी के साथ मैंने काम किया। पार्टी की अपनी कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, इंटरनल कटिंग्स रही होगी, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे साथ पब्लिक है और पब्लिक मैंडेट है। एक्चुअली जो फाइनल होता है दैट इज वोट। मैंने काम किया, अगर आपने काम किया है तो वोट आप तक खुद चल के आते हैं। आपको पब्लिक के बीच 5 साल काम करना है, वोट आपको खुद चल के आते हैं। और प्रेशर में काम करना वो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे पार्टी ने मेरे पे प्रेशर क्रिएट किया, मैंने उन्हें क्लियर बोला कि मैंने काम किया है, आप बताइए मेरा टिकट आपने किस बेस पे काटा है। सिर्फ डॉक्टर किम्मी सूद और आरती चौहान का टिकट ही कटा है, बाकी आपने हर महिलाओं को टिकट दिया है। तो मेरा क्लियर था और लाइफ में बहुत क्लियर, और आई एम नोन फॉर माई लॉयल्टी। जहाँ मैं टिक गई वहाँ मैं टिक जाती हूँ, चाहे वो सदन हो चाहे वो पब्लिक लाइफ हो। तो जब मैंने कहा था आई विल कंटेस्ट, लोगों ने मुझ में ट्रस्ट शो किया और आज मैं पब्लिक के साथ हूँ क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।